हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा आरटी कॉमर्स क्लासेज में। आपका आज हम आपको बता रहे हैं परचेज रिटर्न बुक के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था परचेज बुक और सेल बुक के बारे में। तो सभी उधार ट्रांजेक्शन्स आती हैं सब्सिडरी बुक के अंदर। तो तीसरे नंबर की हमारी बुक है परचेज रिटर्न बुक। पहले तो आप इसका फॉर्मेट देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर LF, डिटेल, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के साथ भी इनपुट ही लगेगा GST में, इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST, टोटल अमाउंट। इस तरीके से आपको ये 10 कॉलम इसमें बनाने हैं, यानी पूरी सब्सिडरी बुक के अंदर ये आपके 10 कॉलम बनेंगे। देखिए एग्जाम्पल 5 की हेल्प से देखिए इसको। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर न्यू दिल्ली, एजमिंग CGST 6%, SGST 6%। June 15, रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली फॉर 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, डेबिट नोट नंबर 140। देखिए इसका सॉल्यूशन इस तरीके से पहले बनाइए इसका फॉर्मेट, इसमें डेट, पर्टिकुलर नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर LF, डिटेल, परचेज रिटर्न, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल। डेट डाली आपने, पार्टी का नाम लिखा राधा किशन एंड सन्स न्यू दिल्ली, डेबिट नोट नंबर लिख दिया। अब क्या वापस किया था इन्होंने, 20,000 रुपीज़ के गुड्स रिटर्न किए हैं तो 20,000 लिखा। अगर माल सेल डिस्काउंट पे हुआ तो रिटर्न भी डिस्काउंट पे ही होगा। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, आ गया 18,000, फिर उसका CGST SGST निकाल दिए 6%, और बिल्कुल पहले की तरह 18,000 परचेज रिटर्न में, 1080 आपका इनपुट CGST में, उतना ही इनपुट SGST में, और टोटल में आपका 20,160 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली 50,000, गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, सैंपल के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं थे इसलिए वापस हो गए, डेबिट नोट नंबर है 141। ठीक है, डेट में आपने लिखा 20 जून, पर्टिकुलर्स में गोपाल सन्स न्यू दिल्ली, 50,000 का माल है, डेबिट नोट नंबर 141 है, CGST SGST निकाल दीजिए 6%, तो ये टोटल 56,000 आ गया। 50,000 परचेज रिटर्न में, 3,000 CGST में, 3,000 SGST में और 56,000 टोटल में। आगे देखिए, अलाउंस क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन इनवॉइस नंबर 10,000, कुछ मिस्टेक से एक अलाउंस का क्लेम है इसमें 10,000 का, जिसका डेबिट नोट नंबर 145 है, तो ये भी आपका परचेज रिटर्न में ही आएगा। रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली 10,000, 6% CGST SGST, इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, तो ये हो गया 11,200। 10,000 आपने परचेज रिटर्न में लिखा, 600 आपने CGST SGST में और टोटल में, टोटल कर दीजिए सभी का। अब देखिए एक बुक और देखिए लास्ट, सेल रिटर्न बुक। पहले इसका फॉर्मेट देखिए, डेट, पर्टिकुलर ब्रैकेट में लिख दो नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर LF, डिटेल, सेल रिटर्न। अब सेल रिटर्न के साथ भी आपका आउटपुट ही लगेगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST और टोटल। ये तो हुआ फॉर्मेट वही 10 कॉलम का। इस पे एक सम देखिए, एग्जांपल देखिए 6th, प्रिपेयर सेल रिटर्न बुक इन द बुक ऑफ रामलाल एंड कंपनी हिसार फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग CGST SGST 6%। 6 अप्रैल को पहली ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी करनाल हरियाणा, 1 टेबल फैन 6,000 का एक है, ट्रेड डिस्काउंट 15%। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये हो गया फॉर्मेट 10 कॉलम का। डेट आपने डाल दी अप्रैल 6, गंगा प्रसाद एंड कंपनी करनाल हरियाणा, 6,000 का माल है, 10 CGST SGST 6% लगा दिया, 306 ऐड करके आ गया 5,712। सेल रिटर्न में डालो 5,100,
306 रुपीज़ CGST के, 306 रुपीज़ SGST के और टोटल में डाल दिया। फिर देखिए, श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यूड 40,000। श्याम ऑयल मिल यमुनानगर वापस किया है, मतलब इसने वापस किया है, बेकार निकलाया माल 40,000 रुपये का। तो 12 अप्रैल श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर 40,000 ऐड करो CGST SGST 40,000 का 6.6%। फिर पहले की तरह ही सेल रिटर्न में 40,000, CGST STM में 2400 और टोटल में डाल दिया। अलाउंस अलाउड टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद 2500। तो 18 अप्रैल संजय एंड कंपनी फरीदाबाद CGST SGST 2500 का अलाउंस है, 6.6% CGST SGST ऐड कर दीजिए और पहले की तरह ही इसका बंटवारा कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। तो बच्चों, उम्मीद है तुमको सब्सिडी बुक समझ में आ गई होंगी।